यह हमारा रम्य प्रांगण, ये है लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का भव्य प्रांगण, ज्ञान उत्स प्रणम्य प्रांगण, नदियों पहाड़ों और झरनों को अपने आंचल से आच्छादित करता भारत का मानचित्र। इसके विस्तृत भूभाग के एक कोने में शताब्दियों से दृष्टिबाधित छात्रों की निस्तेज आंखों में एक सपना अटक कर रह गया था, जीवन के अछोर अंधेरे को रोशनी में बदल सके। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने उसी सपने को मूर्तमान करने का संकल्प लिया। मानव सभ्यता के इतिहास में कीर्ति स्तंभ की तरह साकार होने लगा है राजधानी के परिधि पर स्थित आज हमारा ये विश्वविद्यालय। आज के दिन से मात्र एक दशक पहले विशेष शिक्षा संकाय के कुछ एक पाठ्यक्रमों से शुरू होकर वर्तमान में यहाँ 7 संकाय और 29 विभाग संचालित हो रहे हैं। विशेष शिक्षा संकाय, ये संकाय ऐसे छात्रों को दक्ष करता है जो सुदूर अंचलों में जाकर किसी भी तरह की दिव्यांग जन और उनके अवरोधों को आसानी से मिटाते हुए दिव्यांग जनों के ज्ञान और गंतव्य पथ को सुगम बना सके, प्रकृति की मूलों से पैदा हुए शोक को शक्ति में बदल सके। दिव्यांगता चाहे जैसी हो, देखने में, सुनने में, समझने में और सीखने में, उन चुनौतियों को सहज ही पार पाने की दक्षता में पारंगत बनाता विशेष शिक्षा संकाय हमारे विश्वविद्यालय का मेरुदंड। वर्ष 2009 से निरंतर शिक्षा प्रदान करता यह विश्वविद्यालय दिव्यांगता के क्षेत्र में सरकार की सबसे सार्थक और गौरवमयी पहल है। इसके केंद्र में वे किशोर दिव्यांग हैं जो अब तक वंचित और उपेक्षित जीवन के अभिशाप को अपनी नियति मान चुके थे। सक्षम और समर्थ लोगों की इस दुनिया में आज उनके पदचाप गरिमामयी उपस्थिति के साथ सुने जा सकते हैं। ऐसे ही असंभव को संभव करने में सन्नद्ध है यह विश्वविद्यालय। 7 संकायों में संचालित 29 विभाग नए और आगत भविष्य का नया छंद विधान रच रहे हैं। बेजान पत्थरों पर खुरदुरे हाथों और हथौड़ों से दुनिया का नया प्रतिबिंब रचते ये भाव चित्र, जहाँ हमारे अनंत लोक का अतीत, वर्तमान और भविष्य छविमान हो रहा है, इन्हीं कलाओं में मुखरित होती रहती है आत्मा की धवल कीर्ति। कैनवस पर रंगों से उभरता जीवन का सौंदर्य का वैविध्य और ढेरों कल्पनाएं, मूर्त और कुछ अमूर्त रहस्य की अनंत गलियों का जादुई सम्मोहन। केंद्रीय पुस्तकालय, हर युग की आदिम अवस्था से आज जब मनुष्य की विजय पताकाएं ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जाकर फहराने लगी हैं, तब से अब तक की इस विराट यात्रा में हजारों बार गिरने, उठने और निरंतर आगे बढ़ते चले जाने की मनुष्य की अदम्य जिजीविषा के एक एक पद चिन्ह यहाँ किताबों में लिपिबद्ध है। नए अन्वेषणों का लिपिबद्ध संसार होते हैं पुस्तकालय, इन्हीं से होकर गुजरता जाता है बेहतर और समृद्ध जीवन का रास्ता। धरती के गर्भ में दबी कुचली अतीत की स्मृतियाँ, उनकी जीवन गाथाओं के चिन्ह, प्राचीन इतिहास विभाग का संग्रहालय अतीत से वर्तमान का संवाद है। इतिहास के अध्यापकों छात्रों ने धरती के गर्भ से खोजकर यहां इसे उद्घाटित किया है। अब तक नियति ने जिसे असंभव कर रखा था, वो सब कुछ आज यहां संभव हो रहा है।